अब जो आएगा उससे हम युवाओं को खासतौर पे ज़्यादा उम्मीदें हैं, युवा परिवर्तन की तरफ देख रहा है। ये जो सरकार है 2014 में आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? तो हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज तक कहीं आता पता नहीं चला और ये इस साल लापता हो रहे हैं। मुद्दे तो लगभग हम लोग के पूर्ण हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी जो 400 पार है उस पर आए। आप कहाँ बेरोजगारी आप बताइए, कहाँ बेरोजगारी है, कौन नहीं कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है आप बताइए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपकी, क्या माहौल है आज का? माहौल सर बहुत बढ़िया है और चुनाव ही मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ से बालकृष्ण चौहान जी हमारे बसपा के प्रत्याशी हैं, हम बसपा के वोटर हैं और हम बसपा को वोट करते हैं हमेशा और हमेशा करते आए हैं। इस बार भी लोग उसी लोकसभा से प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जी को हम लोग वोटर वोट के नाम मतलब प्रत्याशी के नाम पर वोट भी दे रहे हैं और यहाँ की जनता मूड मिजाज बना ली है कि इस बार बालकृष्ण चौहान को 99% हम लोग जिता कर देंगे। मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे आप, सिर्फ एक तरफा बात करें, किन मुद्दे को लेकर के? सरकार ने कौन सी ऐसी योजना नहीं दी आप लोगों को जिससे आप बसपा पे जा रहे हैं? देखिए मैं सरकार वर्तमान जो सरकार एकदम बेरोजगारी ला दी है। हम शिक्षा पर बात करेंगे, शिक्षा हम लोग करके यहाँ बेरोजगार घूम रहे, नौकरियाँ नहीं मिल रही, ऑनलाइन जब हो जाती है तो पेपर ऑनलाइन आउट हो जाता है और नौकरी किसी बच्चे को नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी हो जा रही है, सिलेंडर महंगा हो गया है और पेट्रोल का दाम भी महंगा हो गया है, सब्जियों का दाम भी महंगा हो गया है और जुमलाबाजी बात करके चुनाव लड़ते हैं। जुमला जब सरकार में आ जाते हैं तो तमाम प्रकार के वादे जो किए होते हैं भूल जाते हैं। घोसी लोकसभा की बात करें, घोसी लोकसभा में 3 प्रत्याशी जो टॉप पे चल रहे हैं अभी, तो क्या लगता है घोसी लोकसभा में किसका जादू चलेगा? इस बार बसपा का जादू चलेगा घोसी लोकसभा में, क्योंकि जनता एकदम समझ गई है कि जुमलाबाजों के साथ न जाना है हम लोगों को और बसपा का साथ एकदम जनता मुड़ मिजाज कर देगी और बसपा को यहाँ से विजयी बनाकर दिल्ली तक पहुँचाएगी। ठीक है, और भी लोग हम मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अच्छा, सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो आपको पसंद नहीं है? और पसंद की बात यह है कि देखिए लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी के नाम पर तो बिल्कुल गायब है ये सरकार। कोई भी मतलब भर्ती आती है चाहिए होता है तो हमेशा पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं कुछ हो जाता है। ये सरकार नौकरी तो देना नहीं चाहती है, रोजगार कहीं है ही नहीं, आदमी काम धंधा से हर तरह से परेशान है। शौचालय आप चाहे 5 किलो गेहूँ देने से इससे थोड़े कुछ बनेगा, चाहे आदमी जिंदगी कल 5 किलो गेहूँ ऐसे मिलने से थोड़े आदमी उसका गुजर सफर हो जाएगा। ये सरकार बिल्कुल इसको हम लोगों को बिल्कुल इस नकारा समझते हैं। हाँ, इस सरकार को बदलना है, क्या बोलते हैं, परिवर्तन लाना है। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? अब घोसी लोकसभा की अगर हम बात करें, क्या मूड है जनता का और आपका क्या मूड है? मूड तो यही है कि बसपा जीत रहे यहाँ से, लड़ाई में कौन होगा तो सपा होगी, लेकिन भाजपा इस लड़ाई नहीं, बस लड़ाई नहीं है। तो क्या वजह है आपको जो है आप बसपा की तरफ जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि बसपा जो बोलती है वो करती है, भाजपा जो बोलती है वो नहीं करती है। पहला नंबर ये देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाना है तो GST जो लगा हुआ है तो गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएंगे, जो GST वो ज़्यादा लगे किताबों पे कापियों पे, तो हम लोग गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं सकते। जिसके पास पैसा है, जो नौकरी चाकरी वाले हैं, उन्हीं लोग भी पढ़ा सकते हैं, छोटे नहीं पढ़ा सकते। सरकार ने कई योजनाएं आपको दी हैं, जैसे आवासीय योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई और 5 किलो मुफ्त राशन दिया, इनको देख कर क्या लगता है? मुफ्त राशन तो यही है कि पहला नंबर की राशन तो मिलता है, मान लीजिए कि 6 परिवार है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट में कम से कम 5 किलो काट लेते हैं सर, तो मिलता है 25, तो 25 में एक आदमी चला गया तो एक आदमी तो भूखा हो गया। अब पहला ना हो कि हम चावल ले लें, तो चावल से क्या करेंगे, हम काम करने नहीं जाएंगे तो सब्जी नहीं आएगी, ना दाल रहेगी, तो उसको भात को खाएंगे तो कई दिन खाएंगे, बोलते 2-3 दिन खाएंगे। और जो साढ़ है, जो गाय है, तो हम लोग बो रहे हैं, आके वो खा कर चले जा रहे हैं, वो महीना का दे रहे हैं 5 किलो और साल का
एक कुंटल लेकर चले जा रहे हैं गाय और भैंसा असाड़। यही तो है नुकसान हम लोगों का हो रहा है, फायदा हम लोगों का हो रहा है। चाह रहे हैं है? पक्का एकदम, वो जीत रही है, भाजपा तो हार रही है, एकदम पक्का कि बसपा जीत रही है। आप सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? सरकार बनाने की एक वजह होती है, जैसे हम चाहते हैं कि ये सरकार रहेगी तो हमारा ये विकास होगा, बता रहे पूछिए। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं कि किन मुद्दे को लेकर के आप विकास को लेकर के वोट देंगे या फिर जाति धर्म को लेकर। मुद्दा सब जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, कोई कहता है कोई नहीं कह पाता है। मैं तो खुलेआम हमेशा कहता हूँ कि बेरोजगारी है, शिक्षा का जो स्तर जो गरीब तबका जो पहले फीस दे करके फ्री फीस होती थी ऊपर लेता था बी ए हो चाहे जो भी डिग्रियां थी, मगर आज की स्थिति में सब जगह पैसा लग रहा है, बगैर पैसे का कोई पढ़ाई नहीं है। नॉमिनल छात्रवृत्ति उससे क्या होगा पहले बताइए, जो लाखों दो लाख की बात है वहाँ नॉर्मल मिल जाती है तो आदमी तो एडमिशन कराने में उतना पैसा लग जाता है। शिक्षा हो गई, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग मीडिया के एक जो है स्तंभ भी हैं, तो आप लोगों को खुद जानकारी है कि कितना रोजगार मोदी जी ने दिया चाहे योगी जी चाहे जो भी सरकारें चल रही हैं, सभी लोग जानते हैं, सबको विदित है, मगर आप लोग नहीं कहेंगे, हम लोग भाई कह ही देते हैं चाहे जो भी पड़े चाहे अच्छा चाहे न। उसी लोकसभा की बात करें, कितना विकास होगा, मतलब क्या मूड लग रहा है जनता का? मूड जैसे देखिए पूर्व सांसद थे उनको जानकारी है, एक बार 5 वर्ष बिता चुके हैं, उनको जानकारी भी है और लोकसभा में बोले भी थे जब थे, और उनके राज्य में ऐसा था, हम लोग गवाह हैं कि गैस सिलेंडर का आया था वो ऐसे बढ़ता है पकौड़ी ना उस तरह वो इंडियन गैस का बांट रहे थे, बुला बुला कर भैया तू ले जा इंडियन गैस का जो है गैस कनेक्शन उसमें चल रहा था नया नया में। अच्छा, उसी लोकसभा की बात करें, कितना विकास होगा, मतलब क्या मूड लग रहा है जनता का? मूड जैसे देखिए पूर्व सांसद थे उनको जानकारी है, एक बार 5 वर्ष बिता चुके हैं, उनको जानकारी भी है और लोकसभा में बोले भी थे जब थे, और उनके राज्य में ऐसा था, हम लोग गवाह हैं कि गैस सिलेंडर का आया था वो ऐसे बढ़ता है पकौड़ी ना उस तरह वो इंडियन गैस का बांट रहे थे, बुला बुला कर भैया तू ले जा इंडियन गैस का जो है गैस कनेक्शन उसमें चल रहा था नया नया में, सबको दे रहे थे फ्री, या वो नहीं किसी को नहीं कि नहीं सांसद तो अपने आदमी को दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, सबको दे रहे थे, और भी जो विकास किए उतना सबको विदित है और आगे भी विकास करेंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं कि भाई सरकार जो है ठीक है, इतना दिन चलाए आप सरकार ना, अब किसी दूसरे को चलाने दीजिए। भैया क्या नाम है? रवि प्रकाश। क्या लगता है क्या मूड है भाजपा? क्या कौन सा ऐसा विकास हुआ है जो? विकास तो बहुत हुआ है, गठरमा जब से यहाँ तो विकास कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा यहाँ को कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और फिर मोदी है। खैर मोदी और भी लोगों से हम बात करेंगे, आइए हम लेके चलते हैं आपके साथ, और भी लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं लोगों के। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है। प्रवीण जी, जी। प्रवीण जी क्या मुद्दे रहेंगे आपको? बेरोजगारी, सीधी सी बात। अच्छा जी, क्यों? मोदी सरकार तो कहती है कि हमने रोजगार दिया, उनसे वो जितना झूठ बोल रहे हैं इस शासन सत्ता में उससे उसमें पूछ, वो आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, सबको सच्चाई पता है सबको, तो इसमें दोबारा बोलने की जरूरत तो कुछ है नहीं, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो क्या लगता है आपको, जो जिस तरीके से कल पता लगातार जो है यहाँ पे नेता आ रहे हैं और लगातार कन्वेंसिंग चल रही है, ऐसे क्या लगता है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर या फिर जनता समझदार हो चुकी है? जो प्रभाव पड़ना था पड़ चुका, और जिसको जीतना है जनता मन बना चुकी है और वो जीत जाएगा, किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कितना विकास हुआ अभी तक, क्योंकि अभी तक लगातार जो है जो अतुल राय रहे हैं वो जेल में रहे 5 साल, फिर उसके बाद कई नेता रहे आए गए, क्या लगता है इसको लगा अब जो आएगा कितना विकास करेगा? अब जो आएगा उससे हम युवाओं को खास तौर पे ज़्यादा उम्मीदें हैं, युवा परिवर्तन की तरफ देख रहा है, और मतलब जो विकास हुआ है वो दिख रहा है, सामने है सबके, जितना विकास हुआ है। सच्चाई ये है कि कल्पनाथ राय के बाद तो यहाँ पे शायद ही किसी ने कुछ काम करवाया कि ईंटें भी रखवाई हूँ, वही है, यही सड़क है, इसको इसमें डामर बढ़ा दिया जा रहा है, चाहे वो जैसे पुराने ज़माने में घर होता था, घर बनवा दिया गया उसके सामने छान लटका दी जाती है, उसी तरीके रेलवे स्टेशन की हालत है कि उसके सामने दो टो टाइल्स वाइल्स लगवा के ऊपर जो है पतरा छा दिए, वही विकास है, और कुछ हुआ नहीं है पिछले 5-10 सालों में।
चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए चाचा, चाचा क्या नाम है आपका? शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव जी, चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे आप? बेरोजगारी। सरकार तो कहती है हमने रोजगार दिया। कौन रोजगार दिए हैं? पीपल पेपर लीक हो जा रहा है, यही तो रोजगार दिए हैं, ये युवाओं को यही भटका रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आएगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसकी आएगी, किसको करेंगे? गठबंधन। और भी लोग हैं, क्या नाम है? राधेश्याम नाम है। राधेश्याम जी, चुनाव आ रहा है, क्या रहेंगे मुद्दे आप लोगों के? मुद्दे तो लगभग हम लोग के पूर्ण हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी जो 400 पार है उस पर आए। हाँ, हम लोग जनता उनको 400 पार करेंगे भी। कौन सा ऐसा उन्होंने अच्छा काम कर दिया जो आप उन्हीं को पसंद करते? देखिए, हम जा खड़े हैं ना, ये पहले लखनऊ हम देखते थे, ये लाइट वाइट ये सब अंधेरा था, खाली गंदगी वाला रास्ता बना दें तो विकास नहीं होता है, उस पर खड़ंजा लगता है, इंटरलॉकिंग, ये सब कब हुआ? मोदी जी ने ये सब किया। ये रोड पर चल नहीं पाते थे हम लोग, 1 किलोमीटर आजमगढ़ मोड़ पर आने के लिए सोचते थे, आज तो देखिए टहलते हम आ जा रहे हैं। ये लाइट, मोबाइल का टॉर्च नहीं जलाते हैं, लाइट में आ जाते हैं हम, लाइट लखनऊ लगता है, इससे बड़ा विकास हम तो धरातल का विकास बता रहे हैं, इससे बड़ा विकास कौन सा है? बेरोजगारी की बात करते हैं, कह रहे हैं यहाँ बेरोजगार है। बेरोजगार कोई नहीं, मैं भी तो युवा हूँ, कहाँ बेरोजगार हूँ। देखिए, जब आप आवश्यकता अधिक फैलाएंगे, पेट भरने के लिए मकान, रहने के लिए मकान, यही सब चाहिए ना। आवश्यकता जब अधिक, जब भी फैलाएंगे, पैर फैलाएंगे आवश्यकता, तो देखिए पैर फैलाएंगे तो दिक्कत होगा, उतना ही पैर फैले जितना चादर हो। हम योग्यता कुछ नहीं, चाहें कि हम रोज 10,000 रुपया कमाएं, मेहनत कुछ ना करें, रोज 10,000 रुपया कमाएं तो कैसे होगा? मेहनत करें। क्या आपकी बदलाव होगा या फिर वही सरकार? वही सरकार रहेगी जी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करें। भैया क्या नाम है? अंगद। हाँ अंगद जी, क्या लगता है किन मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? नहीं, इस बार तो बदलाव जरूरी है, बदलाव और बदलाव जरूर होगा। क्या वजह, क्यों बदलाव होना चाहिए? यही महंगाई को देख करके और बेरोजगारी को देख करके लोग इस बार जरूर बदलेंगे सरकार को। मोदी सरकार तो कह रही है हमने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया, रोज लोगों को रोजगार भी दिया। नहीं, रोजगार तो नहीं दिए, 5 किलो अनाज तो मुफ्त में मिल रहा है, तो अनाज से क्या होने वाला? अनाज से आदमी पेट भर के सरकार बनाएगी, भाई जीती रहेगी और सरकार बनाती रहेगी, तो इससे युवाओं का विकास तो होने वाला नहीं है। आपके यहाँ 2-2 मंत्री हैं, यहाँ पे दारा सिंह चौहान है, के शर्मा है, क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका प्रभाव तो जरूर पड़ रहा है, लेकिन जो चाहिए हमको, रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, बस विकास अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। विकास तो मान लीजिए जो हो रहा है, लेकिन यहाँ और देश में युवाओं को ध्यान देते हुए इनके रोजगार की बात जो सरकार करेगी, हम उसी को चुनेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ, इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ भैया, भैया क्या नाम है? 5,000 रुपये। मनोज कुमार जी। मनोज जी, सरकार चुनाव आ रहा है, क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दूर हटाएंगे, उसके बारे में बात किया जाए अच्छे से, स्वच्छ मन से। देखिए, ये जो सरकार है 2014 में आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? तो हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज तक कहीं आता पता नहीं चला और ये इस साल लापता हो रहे हैं। 2024 में ये यहाँ से जा रहे हैं, इनकी विदाई है, वो आज नहीं कल नहीं 4 जून को ही विदाई मान लीजिए। लेकिन और बताइए क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको सरकार के पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि और आपको क्या चाहिए? अब देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर यदि देखा जाए, मऊ का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई ऐसी मेडिकल कॉलेज नहीं बना जो यहाँ पर ये मऊ जो सिटी है, गोरखपुर से लेके बलिया से लेके गाजीपुर से लेके ये सारे के हब है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके पहले स्वदेशी का, हाँ, यहाँ पर स्वदेशी कार्टन मिलता, अध्याद जो चालू हो जाती, प्रधान की मिलती वो भी चालू हो जाती थी, यदि वो भी चालू हो जाता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। हम लोग निकल के समुंदर देखिए। क्या 5,000 पर डे कमाने वाले ये वकील हैं, ये बेरोजगार है। ऐसे ही बेरोजगारी अगर हमारे देश में आ जाएगी तो हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे, यही हम चाहते भी है कि आज के डेट में आप एक लेबर जिसको कहेंगे ना, वो भी खाली नहीं है। 400-500 रुपये ठेकेदार हो गया, वो भी लेबर यूनियन का ठेकेदार हो गए हैं कि 2,000 रुपये देंगे तो एक गड्ढा
खोदने हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हाँ, ये भैया जैसे ठेकेदार होंगे तो यहाँ से लेबर को ले जाएंगे, कहेंगे 400 देंगे और 250 दे के उसको मार के भगा देंगे, ये इनकी सोच है। सुनिए, अगर मार के भगाया जाता है, सुनिए कानून, सुनिए सुनिए सुनिए, जब यहाँ पर जब ये सुनिए, आप वकील हैं, आप अपनी बात तो हम अपनी बात रख रहे हैं। अरे हम अपनी बात तो रख रहे हैं। आज के डेट में गरीब अमीर कोई किसी को अगर कह दे कि एक जी, तो मुद्दों वाली ही बात रख रहे हैं ना कि एक सेकंड रुकिए। आप देखिए, आदि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ठेकेदार हैं, हम ठेकेदार ले जाकर आपको 22,000 देंगे, ये कौन सी गारंटी दे रहे हैं कि 22,000 रुपया हम देंगे एक लेबर को? किस हिसाब से देंगे? ये बेरोजगार के हिसाब देंगे? सवाल ये है, बेरोजगार आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, मान लेते हैं बेरोजगार हैं, ये कह रहे हैं कि हम ठेकेदार हैं, हम आपको चल के 22,000 देते हैं, कौन सी नोट पर ये 22,000 देते हैं? नीचे असिस्टेंट रखे हैं आप, अपने नीचे असिस्टेंट रखे हैं वहाँ पे कचहरी में। भैया हम बस हम आपसे, क्या नाम भैया आपका? अजय, अजय सिंह। अजय जी, आप असिस्टेंट रखे हैं, किसी के नीचे काम करते होंगे ना, वकालत करते होंगे तो किसी के नाम की काम करते होंगे, तो आप ये बस हमको ये बताइए कि आपके जो सीनियर हैं वो आपको पैसा नहीं देते हैं, बस हम इतना बस पूछना चाहते हैं आपसे। मुद्दे की बात करें, आप सीखने जाते हैं, सीखने जाते हैं, आप एक ही बार जाएंगे तो ठेकेदार नहीं बन जाएंगे। की बात करें, मुद्दे की, बिना पैसे का भैया, मुद्दे की बात करें, वो ठीक है, वो ठीक है, मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर के? आपका चुनाव क्या मुद्दा रहेगा? जिस विकास को लेकर के होगा, जाहिर सी बात, विकास मोदी सरकार जितना बढ़िया 10 साल में काम, कारी की बात की है, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आज? आप कहाँ बेरोजगारी है आप बताइए, खाली ही नहीं, कहाँ बेरोजगारी है? कौन नहीं कमा रहा आप बताइए, वो यूट्यूब से कौन नहीं कमा रहा है जितना उसके? बताइए भैया, बेरोजगारी, ये बेरोजगारी का ये आलम है कि 2011 से IBPS की जो भर्तियाँ आती थी, 50,000 एक साल में भर्ती आती थी, वो जो है आज की डेट में IBPS के दम पे महिंद्रा जैसे संस्थान चला करते थे जो कि आज की डेट में नामो निशान नहीं है। SSC में ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आती थी, मैट्रिक लेवल की आती थी, CPO SI की हर साल जो है 40,000 वैकेंसियाँ आती थी, आज की डेट में कोई नाम नहीं जानता है। आगे सुनिए, शिक्षक भर्ती, 7 लाख टीचर हैं पूरे प्रदेश में, रिटायर होते हैं हर साल 10,000, 2018 के बाद एक भर्ती नहीं आई है। अभी कंडीशन ये है कि SSC UPSSSC की भर्ती होती है, प्रदेश सरकार का SSC की तरह की UPSSSC 2017 से लेके 2024 आज की डेट तक एक ज्वाइनिंग हो गई हो तो मैं नाम बदल दूंगा, किस जो कहिएगा सो कर दूंगा। अब सुनिए आगे सुनिए, ये तो रोजगार की बात हो गई कि कितनी भर्तियां आ रही हैं, कितनी भर्तियां नहीं आ रही हैं। अब आगे सुनिए, जो भर्तियां आई भी वो जो है यहाँ पे लंबित पड़ी रही, पेपर आउट होता है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसके बाद जो है पेपर आउट हो जाएगा, अगर हो जाएगा उसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं वैकेंसियों के, क्यों होते हैं वैकेंसियों पे मुकदमे, क्यों करता है? बड़ा शौक से नहीं करता है, इसलिए करता है कि इतनी धांधली की जाती है वहाँ पे, इस वजह से मजबूरन जाना पड़ता है। और तो और आगे बात बता देता हूँ, लिस्ट में नाम आ जाता है जब किसी का, उसके बाद भी दो साल ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है बिना किसी कारण के, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अब ये कंडीशन है रोजगार की, हम हर युवा को सरकारी नौकरी देने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम उस युवा की बात कर रहे हैं जो उसके डिजर्विंग हो, उस युवा की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर किसी के पास कोई जवाब हो तो वो लगाए यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, नहीं जब आप क्वेश्चन कर दिया आप बस निकल लिए, आप हम बता रहे हैं उसको सुन लीजिए, एक बात बताइए, भर्ती एक मिनट, भर्ती लीक होती है प्रशासन की फेल्योर से, सीधी सी बात जान लीजिए, जो हम नहीं मजबूत हैं तो हमारे अंडर के लोग नहीं मजबूत हैं, सीधी सी बात है। अब सुनिए सर, हम यहाँ पे आपसे जवाब सवाल नहीं ले सकते, ना आपसे बहस करेंगे भैया, क्योंकि आप हमारी समस्या का सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? हम इनके माध्यम से सरकार तक अपनी आज पहुंचा रहे हैं, आप हमसे बहस करके हमको मार दीजिए चार झापड़, अगर आप खुशी हो आपको इस बात पे तो। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उससे मतलब कम से कम
जिस क्वेश्चन को आप बोल रहे हैं उसको सुनना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए उसी चीज़ को ना डिबेट करने के लिए आप खड़े हैं। आप ये बताइए, भर्ती लीक करने की बात कर रहे हैं, लीक कौन करवा रहा है? जो पहले से जो जितने भी चोर बैठे हुए हैं वो लीक कौन करवा रहा है? पेपर ऑटोमेटिक जा करके अभी का भर्ती जो हुआ है वो जा करके लीक करवा दे रहा है। भैया आयोग की, आयोग का जब पेपर लीक हो रहा हो तो उससे बड़ा प्रश्नचिन्ह क्या होगा? प्रशासनिक व्यवस्था, आयोग के पेपर जब लीक हो रहे हो, अब छोड़ दीजिए और चीजों को, और वो क्यों हो रहे हो? कहेंगे कि लोग जो है चोर हैं, लोग चोर हैं। अरे भाई प्रशासनिक वही बता रहा हूँ। अब बताइए इनको, हाँ अब बताइए कौन सा क्या ये बता रहे भाई साहब की ISPCS का पेपर लीक हो रहा है? मेरा नाम गौरव है। कौन सा पेपर लीक हुआ? प्लान उसका सेंट जॉनसन इलाहाबाद में कॉलेज सेंटर गया था, मऊ से तीन चार तैयारी करने वाले बच्चे गए थे, पेपर जब बच्चे वहाँ हंगामा किए, ये पेपर ये जो है कि कई घंटे पहले से जो है कि मिल चुके थे कुछ लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नहीं उन छात्रों को जो तैयारी करके इलाहाबाद में रूम लेकर और कैसे कैसे अपने उनके पिताजी किसानी से मेहनत करके भेज रहे थे पैसे तैयारी के लिए, उनके ऊपर क्या बीत रही है? इनको क्या पता, इनके घर में रोजगार तो ये समझ रहे हैं कि सबको रोजगार है। अब मैं आयोग की सबके पास पैसा है कि कौन सा ISPCS का जो पेपर लीक हुआ, मैं बताता हूँ कि अभी फिलहाल में जो है यूपी पुलिस के साथ एक पेपर और लीक हुआ था, उसका नाम था RO ARO, जिसको कराती है उत्तर प्रदेश की आयोग, वो पेपर आयोग वो सचिवालय का वो पेपर जो है लीक हुआ, जिसको आयोग करवाती है। और आप लोगों को मतलब आपकी बात का आई थिंक भर्ती सुनिए भर्ती लटक गई। भगवान करे कि जो है, देखिए युवाओं की समस्या कोई नहीं, हो सकता है आप सत्ता पक्ष की तरफ हो, हम विपक्ष की तरफ हो सकता है। मैं सुनिए पूरी बात सुनिए भैया, भगवान करे कि यहीं पे मुकदमा गया हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में, लटक जाए फैसला, स्टे लग जाए, जो 4 तारीख को लोग दोनों पार्टियां सोच रही हुई, पक्ष विपक्ष सोच रहे होंगे कि हमको जवाब आ जाएगा कि हम सरकार बनाएंगे मोहर मार के, ये अगले 1-2 साल तक मुकदमा झूले जब सुप्रीम कोर्ट में ना, तब समझ में आएगा युवाओं का दर्द क्या है कि लोग इंतजार करते रहे 4 साल तक कि हमारा अब रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट से, अब आएगा सुप्रीम कोर्ट से, और जो वकील के चक्कर मारे ना, तब समझ में आएगा कि युवाओं का दर्द क्या है। समय 4 साल तक ना आए इन लोगों का रिजल्ट। हाँ चलिए, ये थे हमारे साथ मऊ की जनता, घोसी लोकसभा की जनता, जो कि हमारी जो है जो अपनी बातों को रख रहे थे, और यहाँ पे जो बेरोजगार युवा थे वो भी हमसे बात किए, और लगातार जो है यहाँ की जनता का व्यू आपने सुना। मऊ से आसिफ रिजवी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।